तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आपके लेके आया हूं मैं न्यू इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। गाइस चैनल को बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सर कैसे हो आप? वेरी गुड। तो सर आपका नाम? पंकज गोयल। मैं CEO और को फाउंडर हूँ ऑटोनेक्स का। okay. हम लोग ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो सर हमें इसके बारे में बताओ डिटेल में क्या क्या मिलने वाला है हमें। तो ये हम 45 HP का ट्रैक्टर है जो यहाँ खड़ा हुआ है। इसी में हमारे सेम फ्रेम में 35 HP है और इससे छोटा ट्रैक्टर जो है 20 HP का भी है, जिसमें कि जो बैटरी पैक है हमारा वो 38.4 kWh का बैटरी पैक है। और इसमें जो हमारे अभी तक ट्रायल्स हुए हैं उसमें हमें ये 120 km की विदाउट लोड रेंज देता है, और विद लोड डिपेंडिंग ऑन द लोड वो रेंज रहती है। ओके या सर हमें ये चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसमें जो है ये CCS2 का चार्जिंग प्लग आएगा। ठीक है, जिसमें कि हमारा अपना ऑनबोर्ड चार्जर भी रहेगा। और आप इसको सड़क पे जो रोड साइड पे जो चार्जर होते हैं कार के, उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो फास्ट चार्जर में आपका 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज होगा। और अगर आप घर पे 15 एम्पीयर के प्लग से चार्ज कर रहे हैं हमारे ऑनबोर्ड चार्जर के साथ, तो उसमें जो है वो ओवरनाइट चार्ज हो जाता है। तो सर हमें कितनी रेंज मिलेगी इसमें? तो इसमें ट्रैक्टर जो है वो लोड खींचने वाला एप्लीकेशन है, जिसमें कि पीछे हम रोटावेटर, टिलर, हार्वेस्टर या जो भी कुछ लगा के डिफरेंट अटैचमेंट हम काम करते हैं। या फिर अगर हम ट्रॉली लगाते हैं तो वो 7 टन की, 15 टन की, जितने की भी, हमने इससे 18 टन की ट्रॉली जो है पूरी खींची हुई है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर में। इनफैक्ट पावर इलेक्ट्रिक होने की वजह से डीजल से ज़्यादा बेहतर मिलती है। इवन दो हम इसको 45 HP के इक्विवेलेंट बता रहे हैं, लेकिन ये काम हमारा 50 HP के बराबर आराम से करता है। ओके, मतलब ये फार्मिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फार्मिंग में हमने सारे अटैचमेंट इसके ट्राई करे हुए हैं। हमारे जो गेयरबॉक्स है वो भी इस तरह का है, जो कि पूरे अक्रॉस इंडिया में जो सबसे टफ जो टेरेन है उसमें चलने वाले गेयरबॉक्स है। तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। और हॉलेज में भी वी आर गेटिंग अ डिसेंट रेंज। ओके, हाँ, तो सर जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं ये उनसे बेटर क्यों हैं? तो इलेक्ट्रिक में अभी बहुत ऑप्शन नहीं है। 45 HP में और 35 HP में तो कोई भी नहीं है। 20-25 HP में कुछ एक लोगों ने ट्रैक्टर निकाले हैं, तो 45 HP में अभी कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, और सर जैसे पेट्रोल वाले होते हैं या डीजल्स वाले होते हैं, ये उनसे बेटर क्यों है उस फील्ड में? तो इसमें एक तो वाइब्रेशन नहीं है, नॉइज़ नहीं है, तो फार्म एरियाज इतने क्वाइट होते हैं, इतने फ्रेश होते हैं, ट्रैक्टर की नॉइज़ और धुआं उसे ख़राब करते हैं। तो वो पोल्यूशन का इफ़ेक्ट सीधा सीधा, बोथ नॉइज़ पोल्यूशन एंड जो धुएं का पोल्यूशन है वो नहीं है। दूसरा, इकोनॉमी के हिसाब से ये डीजल के कंपैरिजन में आपको जितनी आपकी डीजल की रनिंग कॉस्ट आती है उससे 1/6, 1/7 तो आराम से इसकी सेविंग आपकी हो जाती है। जिसकी वजह से जो इसकी इनिशियल कॉस्ट अगर सब्सिडी के बिना जो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है वो बहुत आराम से 1.5-2 साल में आपकी रिकवर हो जाती है। ठीक है, और अदरवाइज़ मतलब अगर आपकी सब्सिडी जब आ जाती है तो ये मोर और लेस सेम प्राइस में जो डीजल ट्रैक्टर है उसमें मिल जाएगा। और आपकी रनिंग कॉस्ट जो है वो, जो लोग ज़्यादा ट्रैक्टर चलाते हैं जिनका 4-5 लाख रुपए का डीजल साल का लगता है, उनका 50,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम बिल आएगा अगर प्रॉपर तरीके से चार्ज करते हैं। तो सर हमें इसे थोड़े फीचर एक्सप्लेन कर दो, हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है जरा बता दो यहाँ पर इंटीरियर। तो इसमें आपके सारे जो एक फुल्ली फंक्शनल ट्रैक्टर में जो फीचर्स होते हैं, पावर स्टेयरिंग है, ठीक है, डुअल क्लच है, ठीक है, PTO, 2-speed PTO है, ये जो उधर PTO का लीवर उधर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसकी 1800 किलो की कैपेसिटी है हाइड्रोलिक लिफ्ट की, तो दिस इज़ द मैक्सिमम दैट यू गेट इन दिस रेंज। तो वो सारी चीज़ें, साइड शिफ्ट गियर्स हैं। हमारा जो डिस्प्ले है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, हाँ, उसमें अभी वो इवॉल्व हो रहा है, दिस इज़ ये प्रॉपर वो वाला नहीं है। प्लस हमारा ऐप है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑटोनेक्स्ट का ऐप है। ये ऐप को मैं क्लिक करूँगा तो अगर मेरे जितने ट्रैक्टर हैं, मेरे 2-4 जितने ट्रैक्टर हैं, वो मेरी पूरी फ्लीट यहाँ आ जाएगी। और मैं इसमें जो है मेरा क्या सिचुएशन है बैटरी का, कितनी चार्जिंग बची है, कितने घंटे की, कितना मैंने CO2 सेव कर लिया,
क्या मेरा मोटर का टेम्परेचर है, क्या मेरा बैटरी का टेम्परेचर है, वो सारा इसमें ऐप के जरिए आ जाता है। और इसमें हम जो ज्योग्राफिक लोकेशन है हमारे तीन चार जितने भी ट्रैक्टर हैं वो सारी भी हमारे ऐप पे आ जाती है। ट्रैकिंग वगैरह भी है इसमें? सारी ट्रैकिंग सब है इसमें। हमारा एक और फीचर जो आने वाला है, जो हमारे जो ट्रैक्टर ओनर भाई हैं जो रेंट करते हैं, जो दूसरों के लिए ट्रैक्टर लेके जाते हैं, वो ये ऐप का एक्सेस अपने गांव में या अपने एरिया में दे सकते हैं और वो लोग ट्रैक्टर को बुक कर सकते हैं। जैसे ऊबर या ओला की टैक्सी बुक होती है और उसमें मतलब किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। जो हमारा ट्रैक्टर ओनर हैं उनका टाइम यूटिलाइजेशन पूरा एफिशिएंट हो जाएगा, तो वो बैक टू बैक जाके काम कर सकते हैं। और सर हमें इसके में डाउन पेमेंट कितनी होगी? तो वो अभी हमने रिटेल मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। हम लोग B2B में कर रहे हैं, तो जो अगर कोई बुकिंग करना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे आके हमें मेल लिख सकते हैं sales@autonext.in पे। हम प्री बुकिंग लेनी चालू कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए हमें थोड़ी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अपलोड करनी है जो अगले कुछ महीने में होंगी। ओके और सर जो हमारा कस्टमर देख रहा है आपको, मतलब ऑल इंडिया से, तो जो डिलीवरी है वो ऑल इंडिया जाएगी या ऑल इंडिया हो जाएगी ना डिलीवरीज वगैरह? तो हमारा जो सेटअप है वो ऑलरेडी नेशनल लेवल का सेटअप है, तो हमें ऑल इंडिया डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हम जैसे मैंने बोला था कि अब हम B2B पे जा रहे हैं, तो जो वो जो रिटेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो हमारा 1.5 साल बाद आएगा। तब तक के लिए हमारी सर्विस डायरेक्टली कंपनी से ही मिलेगी और वो डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो सर हमें चार्जिंग पॉइंट बताइए जरा थोड़ा। ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये आजकल जो CCS2 चार्जिंग पॉइंट जो बोलते हैं, जो आजकल हर एक EV गाड़ी में रहता है, सो आप इसमें देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट जो है वो AC चार्जिंग के लिए रहता है एंड नीचे वाला पार्ट DC चार्जिंग या तो जिसको फास्ट चार्जिंग बोलते हैं। तो ये ट्रैक्टर में आप AC चार्जिंग भी कर सकते हैं, DC चार्जिंग भी कर सकते हैं, स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग। और एक चीज़ है, ये ट्रैक्टर को आप कोई भी रास्ते में जो आज सरकारी चार्जिंग स्टेशन बनाया है आप उधर जाके भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर ट्रैक्टर में कम चार्ज आपको दिखता है और आपके सामने अगर चार्जिंग स्टेशन आ गया है तो आप आराम से इसको कोई भी चार्जिंग स्टेशन में जाके चार्ज कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है जो कोई भी ट्रैक्टर में ये चीज़ नहीं है जो हमने ऐड किया है हमारे ट्रैक्टर में। तो सर किसी अगर ट्रैक्टर बाय करना हो तो आप बताओ तो एड्रेस क्या रहेगा? सो हमारा कंपनी का नाम है ऑटोनेक्स ऑटोमेशन। हमारा नंबर है 8286212194। हमारा कंपनी मुंबई बेस्ड है बट हमारा असेंबली लाइन अभी हापुड़ उत्तर प्रदेश में हमने हमारा असेंबली लाइन है। एंड कोई भी डिटेल्स है हमारा वेबसाइट है www.autonext.in। आप वो साइट पे जा सकते हैं, उसमें आपको और भी ट्रैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, कौन सा HP के ट्रैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है सब आपको इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है सर। तो गाइज आपको ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करिए जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।